कोई तो जैसे कोई भी स्पेसीज है, ठीक है, कोई भी स्पेसीज है किसी किसी गिवन ज्योग्राफिकल एरिया में, तो वो स्पेसीज अगर अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में रेडिएट करेगा, मतलब वो जाएगा, ठीक है। तो अगर वो अलग अलग एरिया में जाता है, और अगर जाता है तो, और अगर वो एक नया स्पेसीज बन गया तो उसको हम लोग एडेप्टिव रेडिएशन कहेंगे, ठीक है। और ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी हुआ, ठीक है। लेकिन एडेप्टिव रेडिएशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्या अंतर है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बस एक कॉमन एंसेस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जी आपका जो मतलब जो है वो स्पेसीज, उसका एंसेस्टर जो है वो कॉमन है, ठीक है। और वो रेडिएट भी करेगा अलग अलग, मतलब कि अलग अलग उसका फंक्शन अलग अलग होगा, ठीक है। लेकिन वो नया स्पेसीज नहीं बना रहा, बट एडेप्टिव रेडिएशन एक न्यू स्पेसिस का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ कंक्लूजन यह निकलता है कि ऑल एडेप्टिव रेडिएशन इज़ अ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, बट ऑल डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इज़ नॉट एन एडेप्टिव रेडिएशन।